ये कक्षा 8 में प्रिया राठौर पढ़ती थी और उनकी 20 जनवरी को गिर करके जो है ये इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु कारित होती है। तत्काल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। इसके बाद परिजनों से 23 तारीख को तहरीर प्राप्त होती है। इसके बाद अभियोग पंजीकृत कराया जाता है और इसके बाद विवेचना आरंभ होती है। इस विवेचना के क्रम में जो भी सुसंगत साक्ष्य थे उनको कलेक्ट किया जाता है। जिनके ऊपर आरोप लगा था और उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं। उस समय जो जो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाती है, उनके बयान लिए जाते हैं, उनके मोबाइल के जो है डेटा जो है वो कोरिलेट किया जाता है। इसके बाद फिर 2 फरवरी को सीन रिक्रिएशन करवाया जाता है स्टेट मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स द्वारा, और किन परिस्थितियों में, यह जानने के लिए कि किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित हो सकती है और जिस तरह की चोटें पोस्टमार्टम में हैं वो किस तरह से वो चोटें किस तरह से कारित हो सकती हैं, उसकी फाइंडिंग्स आई। और फाइंडिंग्स में इस चीज़ का जिक्र है कि ये एक फॉल द्वारा चोट है, यानी कि किसी ऊंचाई से गिरने पर इस तरह की चोटें कारित हो सकती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि तीन तीन जगह पर ये फ्रैक्चर है, और एक नेक के पास है, और छाती के पास है, थोरासिक रीजन में है, और एक पैर के पास लेग के पास फ्रैक्चर है। और उसका उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने किया, और वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये जो है ये इस तरह की चोटें जो है वो किसी हार्ड सरफेस पर गिरने से आ सकती हैं। अल्टीमेटली उन्होंने फिर कहा कि इसका जो है वो जहर दिया गया या नहीं दिया गया, इसको जानने के लिए जो उसका विसरा है वो FSL भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसके अलावा हमारे पास जो मोबाइल था जिससे प्रिया की चैट हुई थी, वो मोबाइल उनके फादर का था, और वो फादर का मोबाइल हम लोगों ने कब्जे में लेकर के उसको भी हम लोगों ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा है, और उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अभी तक की जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो हम लोगों ने जो टेक्निकल एविडेंसेस और साइंटिफिक अदर साइंटिफिक एविडेंसेस और मेडिकल एविडेंसेस जो हम लोगों ने अभी तक कलेक्ट किए हैं, और जो लोगों के स्वतंत्र साक्षियों के और जो चश्मदीद साक्षी थे उनके जो बयान हम लोगों ने अभी तक दर्ज किए हैं, इन सभी चीज़ों के अवलोकनोपरांत अभी तक की विवेचना में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जिससे कि कोई अपराध की पुष्टि हो, किसी द्वारा कोई मैलाफाइड इंटेंशन से ही अपराध कारित होना पाया जाए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है। आगे की इन्वेस्टिगेशन हमारी इन्हीं जो साइंटिफिक एविडेंसेज है उसी के आधार पर हम विवेचना प्रचलित रखे हैं। अभी जो रिपोर्ट्स आना बाकी हैं उसको रिपोर्ट का भी अवलोकन करेंगे, और उसके बाद फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। पिता के भी इसमें कई आरोप थे कि विवेचना में जो है जिस तरह की विवेचना हो रही है, जो पवन सिंह उनके द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा है, और कई ऐसे आरोप लगे थे कि जो इन्वेस्टिगेटर वाले पार्ट हैं, जैसे कि कमरे में उसका जो है सामान रखा हुआ वो भी रखा हुआ था, लेकिन जो सीन 2 बार दोहराए गए क्राइम सीन, उसमें भी बताया गया वेट कमी रखी गई। देखिए, शुरुआती दौर से ही जो वादी पक्ष थे इनसे सारी चीज़ें शेयर किया गया है। इनफैक्ट मैं बताऊं, जब ये सीन रिक्रिएशन हुआ उस समय भी वो जो मृतका के पिता हैं वहाँ पर मौजूद थे, और उनके सामने ही सारी चीज़ें सारे प्रोसीजर उनके सामने किए गए, जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उनकी जानकारी में थे। जब ये रिपोर्ट आई सबसे पहले ये रिपोर्ट उनके साथ साझा किया गया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो 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 उनके साथ साझा नहीं किया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो ओपन और ट्रांसपेरेंट वे में उनके साथ साझा करके ही आगे बढ़ाई जा रही है। और जैसा मैंने कहा है कि जो मेडिको लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एक प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर के तहत वो सीन रिक्रिएशन करते हैं। उसमें मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ ये बताने के लिए कि उन्होंने जो उनका जो प्रोसीजर था वो सही है गलत है। वो उस चीज़ के लिए सर्टिफाइड है, और उन्होंने अपना काम किया, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पुलिस को दी है।
जी हाँ, डिटेल में जब बातचीत हुई सभी लोगों से, सभी लोगों के बयान अंकित किए गए, तो ये पता चला कि कोई भी इस पूरी जब जब ये घटना हुई है उस समय किसी ने इस घटना को होते हुए नहीं देखा था। वॉल्डन थी वो उस समय मेस में थी, और जिस समय ये घटना हुई उस समय दो छात्राएं थीं जो उसी एसआर कॉलेज की थी, एक फर्स्ट ईयर की एक थर्ड ईयर की। उन्होंने फ़ोन करके वॉल्डन को बुलाया है। जब वॉल्डन वहाँ पहुँची है तो वॉल्डन ने देखा कि जो मृतका है वहाँ पर अनकॉन्शियस स्टेट में है। बिकॉज उस टाइम तक ये कन्फर्म कर पाना असंभव था कि वो जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। वॉर्डन का फर्स्ट रिएक्शन ये था कि पहले इनको हॉस्पिटल और जो भी वहाँ पर लोग थे, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, और फर्स्ट रिस्पॉन्स ये था कि बच्ची को जो है वो उपचार हेतु जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जाए, जो कि उन लोगों ने वहाँ पर उस समय किया गया। हॉस्पिटल ले जाए, हॉस्पिटल ले गया और ले जाया गया, और वहाँ पर फिर डॉक्टर्स ने जो है उसको डेड डिक्लेयर किया, और जिसकी सूचना फिर बाद में परिवारजन को दी गई। शुरू में जो सूचना दिया गया वो ये दिया गया था कि गिरने से ये मृत्यु कारित हुई है, चलते चलते ये गिर गई, ये मृत्यु कारित हुई है, बिकॉज किसी ने भी उस घटना को होते हुए नहीं देखा था। और जो भी सूचना मिली थी वार्डन को वो एक सेकेंड पर्सन के थ्रू मिली थी, वार्डन वहाँ पर मौके पर नहीं थी। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये बात की पुष्टि नहीं हुई, और क्योंकि वहाँ पर मौके पर ब्लड पूलिंग नहीं हुई थी, इसकी वजह से ये कह पाना उस समय संभव नहीं हो पा रहा था कि किसी ऊंचाई से जो है ये गिरी है। सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से वहाँ पे बच्चों ने बताया कि ये गिरी है दो लोगों ने, वार्डन ने पुलिस इन्वेस्टिगेट जब शुरू हुई, जब उससे पूछताछ की, तब उसने ये बात खोली, तो पहले क्यों गुमराह करती रही? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये चीज क्रॉस एग्जामिनेशन में हम लोगों ने ये प्रश्न उठा था, और उनका यही कहना था कि क्योंकि मैंने वही बताया जो मुझे जो वहाँ की जो लड़कियाँ थी उन्होंने बताया, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी, जो वॉल्डन थी वो वहाँ पर नहीं थी। और ये चीज़ कई लोगों ने इस बात की पुष्टि किया कि वॉल्डन मेस में थी, क्योंकि ओवरऑल उनकी जिम्मेदारी होती है कि सभी बच्चों को समय से जो है वो खाना प्रोवाइड कराना, तो उस समय जब तक वो लास्ट बच्चा वहाँ से नहीं निकल जाता तब तक वो मेस से नहीं निकल सकती है। जब ये शोर शराबा हुआ और जब फ़ोन करके बुलाया गया तब उस समय आई हैं, और जो 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 फ़ोन करके जो लड़कियों ने उनको बताया उस आधार पर उन्होंने उस समय अपने बयान दिए, और बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उससे चीज़ें स्थिति उससे स्पष्ट हुई। सर, पुलिस सोशल मीडिया का जो सहारा ले रही थी, इंस्टाग्राम की बात की जा रही थी, तो उससे पुलिस को क्या कुछ सहायता मिली, क्या कुछ? हमारे पास जो मृतका ने जो बातें किया है वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इनके फादर के मोबाइल से उसने बात किया था, वो भी हमारे पास मोबाइल भी हमारे कब्जे में है, और इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। उसका पूरा अकाउंट डिटेल, किन किन से बात किया, कब कब बात किया, जो अभी जो हमारे पास जो चैट्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास एविडेंस हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं लग रहा है। जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स बातचीत करते हैं उस तरह की बातचीत है, और इस तरह किसी के ऊपर भी ऐसा आरोप प्रत्यारोप उसमें नहीं लगाया गया है। सर, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सर खींचने की बात सामने आई कि उसके पीछे बैक साइड में भी चोटें नहीं, जैसा मैंने बताया है कि खींचने की बात पोस्टमार्टम में नहीं आई है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब एनालिसिस किया गया मेडिकल टीम द्वारा, तो उन्होंने भी यही बताया, यह हार्ड फॉल की चोट है, ऑब्स्ट्रक्टेड हार्ड फॉल की चोट है, और ये किसी को घसीटने की चोट नहीं है, ये एब्रेडेड कंट्यूजन ये घसीटने से नहीं आया। बिकॉज जिस तरह की चोटें कारित हुई हैं वो किसी चीज़ से मार करके उस तरह की चोटें कारित होना असंभव है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैंने आपके सामने जो भी हमारे पास जो साइंटिफिक फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रखा है। अभी कुछ रिपोर्ट्स, सरकारी रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है, उसके बाद ही किसी फाइनल कंक्लूजन पहुंचा जा सकता है। अभी तक हमारे पास जो एविडेंसेस हैं उनसे किसी का भी अपराध कारित होना अभी पाया नहीं जाता है, किसी भी अपराध की पुष्टि अभी तक की विवेचना से नहीं होती है। जो एक लेटर सामने आ रहा था, बताया जाता है कि लेटर एक वायरल हुआ, लेकिन लेटर किसी को मिला नहीं, जिसमें क्रिकेटर का जिक्र होने की बात सामने आ रही थी। जैसा कि मैंने बताया है कि ये सब सारी चीज़ें एविडेंशियल पार्ट हैं,
और वो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में लिखा गया लेटर था जिसकी जिस जिससे कि इस मृत्यु से संबंधित इस मृत्यु से उसको 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 आप उस मृत्यु से कोई उसका कोरिलेशन ढूंढना ये उचित नहीं होगा। वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। नहीं, मर्डर के बारे में नहीं बताया है। यदि आप मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो फॉल फ्रॉम बिग हाइट और ऑब्स्ट्रक्टेड फॉल बताया, मर्डर का जिक्र इस मेडिकल लीगल उसमें नहीं किया गया है। नहीं, मना नहीं किया है हादसे को, मना नहीं किया है हादसे को। सर सुनने में तो अभी आया था कि लड़की पहले मिसिंग में थी, फिर उसके बाद ये तो क्या ये अभी सर पुलिस क्या मान रही है? एक एक करके सवाल पूछे सर, हमने फाइंडिंग क्या है सर, इतना बता दीजिए सर, ये आया था कि मिसिंग है। एक एक करके सवाल पूछेंगे तभी बता पाऊंगा सर, पुलिस क्या मान रही है? जैसा कि मैंने बताया है कि अभी अभी हमारे कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है और अभी तक की जो हमारी विवेचना है उसमें किसी भी तरह का अपराध कारित होना नहीं पाया है, किसी भी तरह की अपराध की पुष्टि नहीं होती है मतलब अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से। फाइंडिंग जीरो है सर, चैट वो निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं उसके चैट सुनने में, चैट और नोटबुक मूल्य उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? जैसा कि मैंने बताया वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जो चैट्स हैं वो हुई हैं और उससे किसी उसका कोई कोरिलेट इससे करना ये उचित नहीं होगा। अभी ये अभी पब्लिक डोमेन में आधिकारिक तौर पर इस चीज को बताना ये मेरे हिसाब से इसका मोटिव था कि आप लोगों को एक आधिकारिक ऑफिशियल वर्जन मिल जाए। अलग अलग लोग समय समय पर पूछते थे तो वो उससे अच्छा है कि एक समय पर सभी को एक साथ बता पाना। अभी तक काफी सारे लोगों का बयान दर्ज हुआ है, लगभग 30-35 लोगों का बयान हम लोगों ने दर्ज किया है और जो भी इस घटना से जिनका एक्वेंटेंस था उन सभी लोगों के बयान हम लोगों ने दर्ज किए हैं और इसी आधार पर हम लोग आगे साइंटिफिक जो एविडेंसेस है उसके आधार पर हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी उन्होंने रेकमेंड नहीं किया, उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसमें आप नार्को एनालिसिस करा सकते हैं। कराना नहीं कराना ये देखेंगे और एविडेंसेस जो हमारे पास है उसके आधार पर ये हमें अगर आवश्यकता प्रतीत होगी तो नार्को एनालिसिस हम कराएंगे इसका। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।